सन 2012 को मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए दोस्तों, और पीछे छोड़कर गए तो ये आरसीएम बिजनेस। आज उनकी मेहनत के कारण ये रवि शर्मा जो आज आपके सामने खड़ा है, पूरी जिंदगी बदल गई मेरी। आज मेरी लाइफ स्टाइल बदल गई। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है। हेलो, मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है आरसीएम के कारण। मेरी कॉलोनी की सबसे लंबी कार मेरे पास है आरसीएम के कारण। हेलो, महीने के पंद्रह दिन 32,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करता हूं मेरे दोस्त। 32,000 फुट की ऊंचाई, समझ गए? ये जिंदगी इस बिजनेस ने मेरे पिताजी की मेहनत के कारण मेरे को दी। आज जब अपनी कॉलोनी से अपनी लंबी कार लेके निकलता हूं तो पड़ोस वाले अंकल अपने बेटे को थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तूने जिंदगी में क्या किया, इस रवि को देख कितनी लंबी कार में घूम रहा है। तो पड़ोस वाला बेटा अपने पापा को बोलता है कि पिताजी थप्पड़ तो मार दी, बहुत अच्छी बात है। आज से लगभग 16 साल पहले इसके पापा आरसीएम बताने आए थे, जब समझ में नहीं आया था क्या, तब समझ में आ जाता तो आज मैं भी कार में घूम रहा होता। इस बात से यह समझाना चाहता हूं कि आज अगर आरसीएम समझ में आ गया तो भविष्य में आपका बेटा कार में घूमेगा, लेकिन अगर आज आरसीएम समझ में नहीं आया तो याद रखना, किसी की लंबी गाड़ी देखोगे और अपने बेटे को यही कहोगे कि तेरे पापा के पास भी आरसीएम आया था, तेरे पापा ने नहीं किया, उसके पापा ने कर लिया, आज उसकी जिंदगी बदल गई, वो लंबी कार में घूम रहा है। मेरे भाई, ये आज मेरी कॉलोनी के अंदर होता है। मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा है, सबसे लंबी गाड़ी मेरे पास है, जिंदगी बदल के रह गई। लेकिन आज पड़ोसी वही काम कर रहा है जो पिछले 16-17 साल पहले करता था, आज भी नौकरी पर जाता है और नौकरी से आता है, और हम 15 दिन काम करते हैं और 15 दिन आराम करते हैं। यह है आरसीएम बिजनेस की ताकत जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है मेरे दोस्त। बताइए, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करोगे तो करोगे क्या, आप बता दो। आरसीएम नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो कर रहे हो वही करोगे, राइट? और जो कर रहे हो उससे जिंदगी बदलती है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करो, लेकिन अगर उससे जिंदगी नहीं बदलती है तो मैं कहता हूं कि आरसीएम कर लो। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। आपको करोड़ों रुपए नहीं लगाने, आपको अरबों रुपए नहीं लगाने, आपको कुछ भी नहीं लगाना, आपको डिसीजन बदलना है मेरे दोस्तों। बचपन से हल्दी, धनिया, मिर्ची, तेल खाते आ रहे हैं। बचपन से हमने खरीदा, हमारे से पहले हमारे दादा ने खरीदा, उनके परदादा ने खरीदा, आज तक जो भी सामान खरीदते आ रहे हो किसी न किसी को करोड़पति बनाते जा रहे हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? कहां से लेके आते हो सामान? बाजार से? थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूं, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। इसको आगे आ जाएगा एक बार, इसको आगे ले आइए। भैया नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? हेलो, आपको इसका थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ी प्यारी चीज है। आप लोगों को यह बताया गया ऐसे ही बताते हैं हम लोग, यही बताते हैं जी, 5 रुपए की चीज बनी 10 रुपए में मार्केट में बिक गई, यही बताते हैं हम लोग, 5 रुपए बिचौलियों के पास चला गया, यही बताते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से। हमारे देश की आबादी कितनी है? 120 करोड़। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको इस 5 रुपए की ताकत को दिखा रहा हूं। ये 5 रुपया क्या काम करता है? हमारे देश की आबादी है 100 करोड़, राउंड फिगर में ले लेते हैं। आप रोज सुबह उठते हो, सब उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? ब्रश। कहां से लाते हो?
मार्केट से, बाजार से कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का आता होगा। हेलो, 20 रुपए का आता है जी, 20 रुपए का ब्रश आप लोग सब रोज सुबह उठते हो और बाजार से लेके आते हो, आपने कितना रुपया ज्यादा दिया? 20 रुपए की एमआरपी का ब्रश है, आप बाजार से लेकर आए, आपने कितना रुपया ज्यादा दिया उस ब्रश पे? 10 रुपया। कितना ज्यादा दिया जी? 10 रुपया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने 10 रुपया ज्यादा दिया और 100 करोड़ की आबादी रोज सुबह ब्रश करती है, 100 करोड़ की आबादी इंटू 10 रुपया इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया हमारी जेब से निकल गया। कैसा लगा? आप ब्रश खरीदा है तो उसके ऊपर क्या लगाओगे? पेस्ट। पेस्ट कहां से लेके आते हो? बाजार से। 30 रुपए का पेस्ट आता है, 15 रुपया ज्यादा दिया और वही 100 करोड़ की आबादी ने फिर ब्रश किया, 15 रुपया इज इक्वल टू 1500 करोड़ रुपया हमारी जेब से फिर निकल गया। कैसा लगा भाई? बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है भाई? है जी, आ रही है ना? कितना रुपया निकला? आप नहाते भी होंगे, साबुन कहां से लाते हो? फिर बाजार से लेके आते हो। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, हम सुबह से शाम तक कम से कम हजारों प्रोडक्ट बाजार से लेकर आते हैं, जिसका नतीजा देखो क्या होने वाला है। 100 करोड़ की आबादी साबुन बाजार से लेके आती है, अगर 20 रुपए का साबुन आता है तो आपने फिर 10 रुपया ज्यादा दिया, इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया। इससे आगे नहीं बताऊंगा, अगर सारे दिन की कैलकुलेशन बता दी तो पागल हो जाओगे। आप सिर्फ उठे, आपने ब्रश किया, उस पे पेस्ट लगाया और नहाए, हमारी जेब से पैसा निकला लगभग 3500 करोड़ रुपया, और ये 3500 करोड़ रुपया निकल के इन बिचौलियों की जेब में चला गया, जिसका नतीजा है ये लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लोग विदेशों की यात्रा करते हैं। गरीबी क्या होती है इन्हें नहीं पता होता, इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में जाते हैं, ये जिस चीज पे हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है, और आप और मैं जो इनको ये करोड़ों रुपया देते हैं यही पे पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, समझौता करते रहते हैं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उधार मांगते रहते हैं, लोन मांगते रहते हैं, और लोन चुकाते चुकाते एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। यह है हमारे मार्केट का कड़वा सत्य जिसे हम नहीं समझना चाहते। कैसा लगा? मुझे बताया गया था कि यहाँ के लोग भाषा नहीं समझते, कोई रिएक्शन आएगा नहीं, तो मतलब सही बात है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? है जी, कैसा लग रहा है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वो 3500 करोड़ रुपया है जो इनके पास जा रहा है, और हम दे रहे हैं और हम देते रहेंगे। हमने दिया, हमारे दादा ने दिया, हमारे परदादा ने दिया, हमारे बच्चे भी देंगे और उनके बच्चे भी देंगे। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। और आरसीएम कहती है इस 3500 करोड़ का 40% पैसा अगर मैं आप लोगों में बांट दूं कितना होता है जी? 1200 करोड़ रुपया। ये 1200 करोड़ रुपया अगर आरसीएम हम लोगों में बांट देती है तो हमें कहा जाता है हम पागल बनाने आ गए हैं, और दुकान वालों को कहा जाता है कि वो पागल नहीं बना रहे हैं। अब दिमाग खुद लगा लो कि पागल कौन बना रहा है। पैसा तो जाएगा, इस दुकान से नहीं खरीदोगे तो उस दुकान से खरीदोगे, पैसा तो देना पड़ेगा, और जब देना ही है तो आरसीएम क्यों ना दो मेरे भाई।